मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से हमारा चुनावी रथ आपको लगातार ये दिखा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता आखिर क्या सोच रही है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में मुद्दे अलग हैं, लेकिन विचार लगभग समान है, और इसीलिए कुछ आधारभूत ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सभी लोग बात कर रहे हैं। एक अहम बात जो इस चुनाव में दिखाई देने वाली है वो ये है कि अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो वो युवा मतदाता जो पिछले कई सालों के चुनाव में ये देखने में आया है कि किसी भी पार्टी की हार या जीत में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उनकी एक अपनी सोच होती है, एक अपनी उनकी कार्य करने की क्षमता होती है और आगे का विजन भी होता है, इसलिए वो अब ये सोच पाने के लिए पूरी तरह से सशक्त है कि आखिर उनके लिए कौन सी पार्टी या सरकार अच्छी है और किस नेता को वो ठुकराना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में भी इस बार 30 लाख के आसपास नए युवा हैं जो इस बार पहली बार वोट डालने के लिए निकलेंगे, और इसीलिए चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर तमाम और पार्टियां हो, छोटे दल हो, वो सभी इन 30 लाख के आसपास के जो युवा हैं जिनका इस बार का आंकड़ा है उनको लुभाने में लगे हुए हैं। सरकार कह रही है उनके लिए बहुत सारी योजनाएं बनी है। उधर कांग्रेस सरकार जो 15 महीने के लिए रही, उनका कहना है कि हमने जो किया वो बीजेपी 20 साल में नहीं कर पाई, लेकिन हमने सोचा कि जरा अपने इस चुनाव रथ को इन युवाओं के बीच ही ले चलते हैं और युवाओं की जुबानी ये सुनने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार उनका मूड किस तरफ है चुनाव में। बहुत सारे युवा हमारे साथ हैं, कुछ हमारे साथ लड़कियां भी हैं और यहाँ पर लड़के हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो दावे कर रहे हैं कि लाडली बहनों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और युवाओं के लिए भी स्टार्टअप से लेकर बहुत सारी योजना चलाई है। तो जरा आइए शुरुआत करते हैं अपने इस शो की। संस्कृति, आप क्या पहली बार इस बार वोट डालेंगी या आपका पहले वोट? मैं पहली बार वोट डालने जा रही हूँ। आप पहली बार इस बार वोट डालें? तो जब पहली बार वोट डालने जा रही हैं तो बड़ी सारी एक उमंगें होती हैं चुनाव को लेकर, कुछ योजनाएं होती हैं, क्योंकि जो युवा शक्ति है उसके हाथ में सारी पावर है। जी, मैं युवा हूं तो देश के भविष्य के निर्माता भी हूं, तो इसी उमंग के साथ कि मैं एक अच्छा चुनाव अपना मतदान कर सकूं और मैं पहली बार वोट डालने जा रही हूं, तो मैं बहुत उत्साहित हूं कि आगे मैं कितने एक नए निर्माता कर्ता को चुनूंगी जो देश को आगे बढ़ाए, और इसके लिए मैं बहुत। तो जब आप वोट डालने के लिए जाएंगी तो क्या परिवार से सलाह लेंगी या खुद आप अपनी दिमाग से, अपनी शक्ति से, अपनी सोच से तय करेंगी कि किसको चुनना है? मैं अपने स्वयं का निर्णय से वोट डालूंगी, क्योंकि मैं 18 साल की हो गई हूँ और आज मैं आत्मनिर्भर हो गई हूँ, तो मैं अपना वोट स्वयं के अनुसार डालूंगी कि मुझे आगे बढ़ने के लिए कौन नई योजनाएं लाएगा, भविष्य मेरा जो निर्माता है जिन्हें मैं चुनूंगी वो कैसे अपने देश को कैसे आत्मनिर्भर बनाते हैं, सभी योजनाओं को लागू करते हैं, सड़क से लेके भविष्य के निर्माता मेरे जो हैं, और शिक्षा के प्रति जो अच्छी अच्छी योजनाएं लाएंगे, हमारे लिए अच्छी अच्छी वैकेंसी लाएंगे, तो मैं उसको देखते हुए अपना चुनाव मतदान करूंगी। तो ये तो वो है जो कि पहली बार इस बार चुनाव में वोट डालने के लिए जा रही। मैं जरा यहाँ पर समझना चाहूंगी, आप में से कितने ऐसे युवा हैं और युवतियां हैं जिनका इस बार पहली बार वोट पड़ने वाला है? हाथ खड़ा करें। तो काफी बड़ी तादाद है, ये सब है जो कि पहली बार जा रहे हैं। yes, आपका भी पहला वोट है? यस मैम, मैं सभी युवा से, जो भी सीनियर सिटीजन से और जो भी अदर वर्ग है, मेरा निवेदन रहेगा कि आप किसी पार्टी की विचारधारा के हो सकते हैं, आप निश्चित उसे वोट कीजिए, लेकिन हमें 17 तारीख को वोट देने घर से जरूर निकलना है। आपकी विचारधारा, पार्टी कोई भी होगी, लेकिन हमें मतदान केंद्र में जाके वोट जरूर देना है, और ये चुनाव का एक पर्व है, महापर्व है, इसे हमको त्योहार की तरह सेलिब्रेट करना है और अपने निर्माता को जरूर चुनना है। तो पहले तो मैं मुद्दों पर जाऊं, लेकिन उससे पहले जिन जिन ने हाथ खड़ा किया था मैं उन सबके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सबका एक अलग विजन है, अलग सोच है, और युवाओं की सोच से ही ये माना जाता है कि देश चलता है, क्योंकि आगे का जो भविष्य है वो युवा ही हमारे लिखने वाले हैं। और कौन कौन है जिनका पहली बार का वोट है? मैं चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा कि मुर्दा लोहे को औजार बताने वाले, मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसू को अधिकार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं सियासतदार, पर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। वाह वाह वाह, हम आम जनमानस हैं। हाँ। हमें पता है भाई, हौसला बढ़ाइए थोड़ा सा एक दूसरे का।
हमें पता है कि देश का भविष्य किस हाथों में देना है, हमारे लिए कौन सी योजनाएं धरातल पर आएंगी और कौन सी योजनाएं मुफ्त की रेवड़ियां हैं जो चुनाव से किए गए वादे हैं। सभी दल हो, चाहे मैं किसी दल का नाम नहीं लूंगा, सभी दल वादे करते अपना घोषणा पत्र निकालते हैं, मैं युवाओं के लिए ये कर दूंगा, मैं बहनों के लिए ये कर दूंगा, मैं भाइयों के लिए ये कर दूंगा, मैं किसी का कर्जा माफ कर दूंगा, मैं किसी का ऋण माफ कर दूंगा, लेकिन हकीकत क्या है युवा को समझना होगा। आज का युवा, आज का मतदाता जागरूक मतदाता है, उसे पता है अपने मुद्दे पता है, अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पता है, उसे पता है हमें रोजगार चाहिए, उसे पता है हमें खाने के लिए भोजन चाहिए। आज का युवा सिर्फ मौलिक अधिकार नहीं चाहता, अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन भी वो कर रहा है, इसलिए आज का युवा जागरूक युवा है और एक वो बहुत ही जागरूक सरकार का चयन करने वाला है। तो कैसी जागरूक सरकार आपको चाहिए? मुझे ऐसी जागरूक सरकार चाहिए जिसमें सीखो कमाओ जैसी योजनाएं हो, जिसमें लाडली बहना योजनाएं हो, जिसमें मेधावी विद्यार्थी जैसी योजनाएं हो, जो गरीब तबके का पीड़ित दलित शोषित पिछड़े तबके से जो लोग आते हैं उनको ऊपर ले जाने के लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनाओं में उनका हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी फीस भर रहे देने का काम कर रहे हैं। और ये मेरा पहली बार वोट होगा इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ ये सोचिए कि मुझे पहला मौका मिलेगा। पर मैं इसके लिए कहना चाहूंगी कि हमें जब ये सुनने का अधिकार मिला है तो हम किसी एक ऐसे नेता को सुने जो हमारे लिए अच्छा काम करे, ये नहीं कि एक पार्टी के लोग आए उन्होंने हमसे ये वादे किए अरे ये अच्छा हमारे लिए काम करे चलो इसके लिए करते, ये नहीं कि वो हमारे लिए क्या काम करे, उसने क्या किया है और वो क्या कर सकता है, उसके अंदर कितनी क्षमता है, ये सब सोच के, ये सब हमारे अंदर सोचने कितनी योग्यता तो होती है, ये सब सोच के हम एक अच्छा नेता बनेंगे। अब मैं जरा उन मुद्दों पर आती हूँ जिनके आधार पर युवाओं की सोच और युवाओं का विजन तय हो रहा है। आप जब चुनते हैं किसी भी सरकार को तो किन मुद्दों के आधार पर आप चुनते हैं? क्योंकि मैं युवा हूं और मेरी ये सरकार से अपेक्षा है कि वो युवाओं के हित में काम करे। वर्तमान की सरकार युवाओं के हित में काम कर रही है, वर्तमान की सरकार ने युवा नीति लॉन्च की, वर्तमान की सरकार ने युवा आयोग बनाया जिसके माध्यम से युवा सशक्त होगा, युवा इस मध्य प्रदेश का भाग्य निर्माता बनेगा, युवा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एवं आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान देगा। यह युवा नीति युवाओं को सशक्त करेगी, यह युवा नीति युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी। क्या नीति है, मतलब कौन कौन सी ऐसी योजना है जो आपको लग रहा है बहुत अच्छी है इस सरकार की? इस सरकार ने मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम लेके आई, ये वह योजना है जिसके माध्यम से युवा शासन और प्रशासन की योजनाओं को समझ सकता है, धरातल पर काम कर सकता है, जो सुशासन का कार्य है कैसे हम प्रशासन के बीच में जाके प्रशासनिक गतिविधियों को समझ सकते हैं। हम इस योजना के माध्यम से एक युवा प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में काम करेगा और उस पे धरातल पर उस योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है उसमें अपनी सहभागिता प्रदान करेगा। आप मुझे बताइए, इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, कोई ऐसे कुछ युवक हैं या युवतियाँ हैं जो ये मान रही हैं कि जो सरकार की योजना है उनके पास तक नहीं पहुँची और उन्हें अभी भी लाभ की जरूरत है? कौन कौन है ऐसे जिनको लगता है कि अभी भी काम होने की जरूरत है और हमारे पास तक बात नहीं पहुँची है? आपको लगता है अभी और काम होने की जरूरत है या ऑपोजिशन में जो कांग्रेस पार्टी है उसको आना चाहिए? जी मैम, जरूरत है और युवाओं के लिए बहुत जरूरत है। वैकेंसियां जो आ रहे हैं वो कहीं कहीं लुप्त हो जाते हैं सुनने को मिलता है, और जो वैकेंसी आते हैं तो कहीं कहीं घोटाले भी हो जाते हैं। अभी जो सरकार चाहिए चल रही है, लगभग सभी को लग रहा है कि बढ़िया सरकार चल रही है, अच्छी सरकार चल रही है। जो ये सरकार ऐसा काम कर रही है, ऐसी योजनाएं ला रही है, इससे ये तो सिद्ध होता है कि शायद ऐसा कोई नेता उभर के आए जो इससे बेहतर कर पाए। अभी तक जो चल रहा है अच्छा चल रहा है और आगे भी ये जो सरकार चल रही है अच्छा ही कर सकती है। नहीं, पॉइंट क्या है, आपको लगता है बदलाव जरूरी है या आपको लगता है यही लोग वापस आए? नहीं मैम, बदलाव जरूरी है। क्यों बदलाव जरूरी है मैम? इसलिए कि जो निम्न स्तर के जो लोग हैं, ग्रामीण स्तर पर जो व्यक्ति है, जैसे कि हम कह सकते हैं दलित वर्ग, एसटी वर्ग, उन तक जो योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, उन तक कोई लाभ नहीं पहुंच पाता है, उन तक सभी योजनाएं पहुंचना चाहिए और सभी लाभ मिलना चाहिए, सभी को, कोई पीछे ना रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसी सरकार को दोबारा से आना चाहिए, लेकिन कुछ का कहना है बदलाव बहुत जरूरी है, आप क्या मानते हैं? मेरे हिसाब से तो सरकार की गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। जो अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो मेरे छोटे भाई का ही पटवारी में चयन हुआ है, हालांकि रिजल्ट अभी पेंडिंग पर है और पुलिस वैकेंसी 3 बार आ चुकी है, 2020 में भी आई है, 22 की वैकेंसी आई जिसके रिटर्न एग्जामिनेशन हो चुके हैं, फिजिकल अभी पेंडिंग पर है, छुट्टी आ जाती तरह चुकी है, शायद इसलिए इसको डिले कर दिया गया है। और ग्रुप 5 की वैकेंसी जो होती है जिसमें स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो वैकेंसी आती है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे लगता है वैकेंसी के मामले में हम देखें, बेरोजगारी को लेकर देखें, तो लगभग 7 लाख भर्ती कंप्लीट होने को हो चुकी है, कुछ का अभी ज्वाइनिंग बाकी है, कुछ की ज्वाइनिंग पूरी हो चुकी है। ओके। तो अगर मैं एक युवा हूँ और रोजगार को देखते हुए बात करूँ तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ठीक है और सरकार गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है।
कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है क्या? मेरा ये कहना है कि सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं करती, बस कहती रहती, उनका सिर्फ कहना है और करती कुछ नहीं है। जैसे क्या कह रही है और क्या नहीं कर रही? जैसे कि उनका कहना ही रहता है महंगाई कितनी बढ़ रही है, किसानों के लिए कुछ है ही नहीं है, कुछ उर्वरक। देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं बताता हूँ। हाँ। जैसे उन्होंने बोला कि बेरोजगारी बढ़ रही है, कुछ भर्ती वगैरह नहीं आ रही, तो ऐसा है कि अभी सरकार का लक्ष्य था 1,14,000 वैकेंसी का, ठीक है, उनमें से 94,000 भर्तियों पे प्रक्रिया हो चुकी है, जिससे 36,200 की पूर्णतः प्रक्रिया चयनित हो चुके हैं, ठीक है। और कितनी सारी वैकेंसी निकाल रही सरकार, अभी 1,00,000 सीएम स्काई योजना निकाली थी जिसमें 1,00,000 युवाओं को रोजगार दिया गया है ना, और 9,000 सीएम इंटर्न्स वाली योजना निकाली थी, तो कितनी सारी वैकेंसी निकाली जा रही है और उनपे निरंतर कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन मैम इसमें एक वर्ग को फायदा हो रहा है जो पढ़े लिखे, जो बेरोजगार लोग हैं, जो सिर्फ अपने खेती किसानी से यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है और इनके बारे में सरकार सोच भी नहीं रही है, उनके लिए महंगाई आसमान को छू रही है। दीदी ने बताया कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, तो किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अभी जो वर्तमान में उसने बहुत कुछ किया, जैसे अपनी योजना किसान कल्याण योजना जिसमें एक किसान को 6,000 रुपए से अभी 8,000 कर दिए हैं, 8,000 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि पहले फसलें किसानों की 1,000 रुपए कुंडल 1,500 रुपए कुंडल बिकती थी, आज गेहूं का मूल्य 2,275 रुपए है समर्थन मूल्य, और इसके अलावा चना वगैरह जो भी फसलें हैं किसान की उसका बहुत रेट बढ़ा है, जैसे अभी आप कुछ कोई फसल 5,000 से नीचे कोई नहीं है, तो इसलिए किसानों के लिए बहुत सारा किया है सरकार ने, और किसान कल्याण बाकी बलराम तालाब योजना भी है, बलराम तालाब योजना भी है, नलकूप योजना भी है, और किसान सम्मान निधि का पैसा बराबर सभी के अकाउंट में एक क्लिक के माध्यम से सभी के अकाउंट में आता है हर महीने, वृद्धा पेंशन योजना का बराबर सबको पैसा मिल रहा है, अभी लाडली बहना योजना चली थी, उस लाडली बहना की योजना के माध्यम से कितनी पूरी प्रदेश की महिलाओं को लाभ मिला है, सभी ने अपने अपने घर में अलग अलग सभी को लाभ मिलकर उसमें बच्चों की पढ़ाई में लगाया है, किसी ने अपनी बीमारी में लगाया है, किसी ने कहीं भी लगाया, बहने पूरी बहुत खुश हैं इस चीज से। बहने खुश हैं क्या? जी मैम खुश हैं, बहुत खुशी की लहर है, क्योंकि इससे पहले कभी उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि बहुत बड़ी राशि होती है मैम, 1,000 रुपए गांव की गरीब महिला है, अगर उसको 1,000 रुपए मिलता है तो वो अपने बच्चे की कोचिंग की फीस भर सकती है, आकस्मिकता में अपने घर में कोई बीमार हो जाता तो उसका इलाज करवा सकती है, और बहुत खुश है, अपने लिए गहने भी खरीद सकती है, नए नए कपड़े खरीद सकती है, तो ये मैम बहुत अच्छी योजना है जिससे महिलाएं सशक्त के साथ साथ खुशहाल जीवन भी व्यतीत कर रही है। आपको भी मिला कुछ लाडली बहना या किसी और योजना का लाभ? जी मैम मेरे घर में मेरी माताश्री को इस योजना का लाभ मिला है, तो मेरी माताश्री बहुत खुश है और हम सभी इस योजना से बहुत खुश हैं। ओके, क्या मिला है उनको? मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ मिला है, जिसके अंतर्गत उनको प्रति माह 1,000 रुपए मिलता था, अभी उनकी राशि बढ़ गई है, 1,250 रुपए हो गई है, तो उनको वो भी राशि मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्या मैम ऐसे लाडली बहना योजना चली है उसमें कुछ महिलाएं हैं लेकिन नाम छूट गए हैं, जैसे मान लो जो गलती में इनकी 21 उम्र ऊपर हो चुकी है लेकिन उनके लिए लाभ नहीं मिल रहा, उनके लिए लाभ मिलना चाहिए, कुछ महिला जो रह गई हैं कुछ कारणवश उनके लिए लाभ नहीं मिल रहा, तो उनके लिए क्या करें? देखिए मैं बताता हूँ, देखो ये सब इनके पास सबका जवाब है। हाँ, मेरे पास सबका जवाब है। मैं बताता हूँ कि जो लाडली बहनाएं रह चुकी हैं तो उनका कारण है कि किस वजह से रहे, उनकी कुछ मिस्टेक नहीं होगी, या तो डीबीटी सक्रिय नहीं हुई, या फिर उनकी केवाईसी नहीं हुई, या फिर छोटी छोटी सी मिस्टेक रही थी जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन उनका फॉर्म दोबारा से भरा जाएगा, नेक्स्ट प्रक्रिया जब शुरू होगी तो उनका फॉर्म भी भरा जाएगा, ऐसा नहीं है कि उनको लाभ नहीं मिलेगा, लाभ सबको मिलेगा, लाभ सबको मिलेगा। और आप बताइए लाडली बहना ये स्कीम जिसका सबसे ज्यादा प्रचार हो रहा है, वाकई में अच्छी स्कीम है? स्कीम तो अच्छी है, लेकिन जिनके पास नहीं लाभ पहुंचा है उनके लिए नुकसान है, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि एक एज ग्रुप बनाना वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने ये भी कंडीशन रखी कि वो शादीशुदा होनी चाहिए, एज ग्रुप बनाया वो चीज़ सही है, लेकिन शादीशुदा हो ये चीज़ नहीं, तो ये थोड़ा अगर बदलाव आए तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जो मामा कहते हैं कि आज मध्य प्रदेश में बेटी पैदा होते के साथ ही और बड़ी होने तक वो लखपति होकर अपने घर से निकलती है, तो वो तो कह रहे हैं कि मैं अपनी हर लड़की को हर बहना को लखपति बना रहा हूँ, लेकिन उनने बनाई तो है इतनी सारी योजनाएं, लेकिन ये नहीं ना कि सबको मिल पाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि समय का दायरा इतना कम होता है कि वो चीजें जब तक वहाँ तक पहुँचती है, गांव-गांव तक पहुँच पाती है योजनाएं, जब तक उनकी डेट निकल जाती है ऐसा होता है। अच्छा। तो सबको जरूरी नहीं कि हो रही है बच्ची तो फिर बड़े होते तक उसे सारी योजनाओं का लाभ मिले। आपको लगता है इसमें कोई लूप होल है?
क्या कि इन्होंने बोला अभी कि जो बच्ची पैदा होते के साथ उसको लास्ट तक पूरे लाभ मिले, अगर वो थोड़े पढ़े लिखे हैं, थोड़ी अगर उनको जानकारी है, वो सोशल मीडिया यूज करते हैं, मोबाइल टीवी यूज करते हैं, तो उनको इतना तो जरूर पता होगा कि भाई अभी ये नई योजना निकली है, इसमें हम रजिस्टर करें। अगर कोई बच्चा गाँव में पैदा होता है उसको पता रहता है कि लाडली लक्ष्मी योजना आई है, मैं अगर रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो मेरी बच्ची को मिलेगा इस चीज का पैसा। और कन्या विवाह योजना, कन्यादान, साइकिल, स्कूटी योजना, ऐसी लड़कियों के लिए बहुत सी योजना बनाई गई है, इस चीज में कोई कमी नहीं। पात्र लोगों तक सुविधा नहीं पहुंच पाती है या कि लोगों को पता नहीं होता है स्कीम के बारे में, इस वजह से कई बार चूक रह जाती है। जी नहीं। आ रही हूँ आपके पास, एक मिनट। मेरा ये कहना है कि जैसे ही चुनाव आ जाते हैं तो सरकार वैकेंसी निकाल देती है। बच्चे शुरू से कितनी मेहनत करते आ रहा है, समय समय पर अगर वैकेंसी निकलेंगी तो छात्र आगे बढ़ेंगे। छात्रों के लिए सरकार ने किया ही क्या है? कुछ नहीं किया। मेरा तो यही कहना है, जैसे अभी 5 साल से तो वैकेंसी अभी आएंगे, वर्ग 2 की भी अभी आई, वर्ग 3 की भी अभी आई, सारी वैकेंसी चुनाव के टाइम पे क्यों याद आती है? अच्छा, ऐसा है क्या कि चुनाव के समय याद आती है सबकी? एक मिनट, अब जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की, एक एक बार जरा उनके पास चलते हैं। दीदी ने बताया छात्रों के बारे में, तो छात्रों के बारे में आपको ये बता दिया जाए कि मामा जी ने जब से आए, मतलब 2009-08 से जब से सरकार बनी है, उनने छात्रों के हित में, महिलाओं के हित में, हर एक हित में, बुजुर्गों के हित में, सबके लिए योजनाएं निकाली है और उसका लाभ मिल रहा है। जैसे कि मैं बीटेक का छात्र हूँ, मेरी पढ़ाई मतलब जो पढ़ाई है वो बहुत महंगी थी, बट उनने स्कॉलरशिप देके मेरी पढ़ाई को इजी करा, तो उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपको स्कॉलरशिप मिली? हाँ, स्कॉलरशिप मिली। वो शुरू से, उससे पहले कोई स्कॉलरशिप नहीं होती थी, IIT JEE दो वहाँ जाओ फिर उनके फीस भरो, उतना नहीं कर पाता गरीब का बच्चा, बट मामा जी ने करा। मैंने एक एड देखा और उसमें सबसे ज्यादा जिसकी बात की जा रही है वो है सीखो कमाओ योजना। क्या ये जो सीखो कमाओ योजना है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है इससे कुछ नहीं हुआ, बीजेपी कह रही है इसने सबको रोजगार दिया, इसमें कितना दम है? अब आप जरा बताइए। सीखो कमाओ योजना से बच्चों को स्किल सीखने को मिल रही है, क्योंकि किसी भी बच्चे को मुफ्त में अगर आप पैसा दोगे तो वो काम करना नहीं सीखेगा या वो काम करने की इच्छा नहीं रखेगा, लेकिन आप उसको काम सिखाओगे, साथ में उसको प्रोत्साहन के रूप में कुछ राशि अगर दोगे तो वो बच्चा काम सीखने के साथ साथ अपना भविष्य भी सुरक्षित कर सकता है। यदि वो किसी क्षेत्र में काम सीखेगा तो आगे जाके हो सकता है वो अपना खुद का स्टार्टअप जमा ले या फिर उसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर ले, तो अपना भविष्य सुरक्षित कर। कितने यहाँ पर युवा और युवतियाँ ऐसे हैं जो वाकई में अपने स्टार्टअप की तरफ सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम भी सीखो कमाओ से आगे बढ़े और हम स्टार्टअप लेकर आए? ऐसे कुछ लोग हैं जो स्टार्टअप के लिए सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मेरी बहन ने बताया कि सीखो कमाओ योजना के माध्यम से युवाओं के कौशल में वृद्धि हो रही है। पहले जो सरकार थी वो सिर्फ शिक्षा देती थी, वर्तमान की सरकार शिक्षा के साथ साथ आपको आपके कौशल में वृद्धि कर रही है, वर्तमान की सरकार आपको ग्रूमिंग कर रही है, आपके व्यक्तित्व का विकास कर रही है, जिसके माध्यम से आप कहीं भी जाएंगे वहाँ छा जाएंगे। सरकार आपको आत्मनिर्भर बना रही, सरकार आपको सशक्त कर रही है। सीखो कमाओ योजना के माध्यम से उसमें बहुत सारे सेक्टर लिए गए हैं जिनके माध्यम से अपनी अपनी रुचि के अनुसार हम काम सीख सकते हैं और उन काम के हिसाब से हम उसमें कार्य कर सकते हैं और अपने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एवं आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे सकेंगे। ये तो बिल्कुल नेता की तरह बात कर रहे हैं, जैसे एकदम स्लोगन दे रहे हैं, सीखो कमाओ योजना। सीखो कमाओ योजना के विषय में मेरा कहना है, ठीक है अभी इनने सीखो कमाओ योजना अभी लॉन्च कर दी क्योंकि अभी चुनाव आ रहा है, मेरा फिर वही पॉइंट अटक के रह जाता है, चुनाव से पहले इनने इस योजना के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या एडवर्टाइजमेंट पर और अपने प्रचार पर, विज्ञापन पर जो इतना पैसा खर्च किया जाता है हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से, उसके बारे में युवा क्या सोचते हैं? हाँ, ये बात वास्तविक है कि एडवर्टाइजमेंट का पैसा खर्च होता है, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए जन जन तक जो शासन की योजना है, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और फ्लैग बैनर पंपलेट के माध्यम से जनता तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए अच्छा माध्यम है, अच्छा सोर्स है, तो अगर ये पैसा खर्च होता है तो इसका वास्तव में यूज भी होता है। क्योंकि तो योजना का एग्जीक्यूशन हमें टू द पॉइंट अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है गांव के, तो मैं मानता हूं ये पैसा व्यर्थ नहीं है, अगर ऐसा मेरे कलीग कह रहा है कि पैसा व्यर्थ खर्च हो रहा है। आपको लगता है जरूरी है विज्ञापन करना? हाँ, विज्ञापन करना जरूरी है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी योजनाएं जो नहीं पहुंच पाती है, एक यही माध्यम है जिसकी वजह से गांव-गांव तक ये पूरी योजनाओं का प्रचार हो पाता है, तो हमारे हिसाब से तो ये सही है। मेरे मन में जो बात है, युवाओं से बेबाकी से जवाब दीजिएगा, आप सब में से नेता कौन कौन बनना चाहता है? क्योंकि नेताओं की छवि को लेकर तमाम वाद विवाद होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नेता बहुत खराब होते हैं, कुछ कहते हैं कि अगर समाज को आगे ले जाना है, राज्य को, देश को आगे ले जाना है, तो कैसे नेता पसंद है
आप बनना चाहते हो नेता? मैं मुझे नेता से ज्यादा नेतृत्व करने का, मुझे जन नेता बनना है। ये नहीं कि मैं आया, चुनाव का समय आ गया, मैं बोल के चला गया। मुझे जनता के बीच में छवि बनानी है कि मैं उसे लगना चाहिए कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आया, उसके बीच का व्यक्ति जो मेरी सुनेगा और हो सकता है आधी रात को वो मेरे लिए जाके काम कर रहा है। ये नहीं है कि मैं चुनाव आ गया, मुझे टिकट मिल गया, मैं आ गया हूँ भैया मैं आपका काम करा दूंगा। अरे आप 5 साल जनता के बीच में आइए तो अभी आपको टिकट मिल जाएगा, आप हमारे दरवाजे पे आके माथा टेकेंगे, अपने चरण लेके आएंगे, फिर हम वोट डालने जाते उसका इनका आता पता ही नहीं होता, ढूंढते फिरते हैं इनको। भाई आप किसानों को भी बोलते हैं किसानों की, अरे किसानों को बिजली रात में मिलती है दिन में मिलती है, तो बताओ आप, बताओ बताओ ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए जो सिर्फ चुनाव के समय नेता आपके दर पे आते हैं? अगर अपना प्रतिनिधि सही हो मैम तो 100% जनता आप बिल्कुल उनके समस्या का समाधान कर दोगे। यदि आप ईमानदारी प्रतिनिधित्व करोगे पूरी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि देश के जो सबसे प्रसिद्ध नेता है, लोकप्रिय नेता, और देश के नहीं दुनिया के भी प्रसिद्ध नेता बन गए हैं। मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी को पसंद करता हूँ और उनका व्यक्तित्व मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज बच्चा बच्चा गाँव में भी क्षेत्र में जहाँ पहुँच नहीं है आज उनकी पहुँच है। आज किसी बच्चे से पूछेंगे मोदी जी के बारे में तो बता देंगे खुल के। अच्छा, तो अगर आप कभी नेता बनने का अवसर मिला तो आप उनके जैसा बनना चाहेंगे? उनसे इंस्पिरेशन में और उनके जैसा बनना चाहूँगा। ओके, बताओ। जैसा कि मैं प्रदेश में अगर जाना जाए तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी प्रखर नेता है, जो बोलने में भी और हर मामले में आगे है। और केंद्र की बात करूँ तो माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ही है, जो देश के ही नहीं विश्व के मेन नेता हैं इस समय। महिला आरक्षण की इतने समय से बात होती थी और अब जब महिला आरक्षण पास हो गया है, आप में से कितनी लड़कियां हैं जो वाकई में नेताओं को पसंद करती हैं और खुद भी राजनीति में आना चाहती हैं? अब तो आरक्षण हो गया। बिल्कुल, आरक्षण हो गया तो मैं यही बात करूंगी कि महिलाओं के लिए आरक्षण निकल के आया और खूब अच्छे स्तर पर आया, तो खुद हम नेतृत्वकर्ता बनेंगे और आगे बढ़ेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पीछे रखा है लेकिन अब आरक्षण के मामले में आगे कर दिया है, तो अब हम और बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और देश का नेतृत्व भी करेंगे। आज हम घर का नेतृत्व करते थे, अब हम देश का नेतृत्व करेंगे। बहुत बढ़िया, वर्ष का नेतृत्व करेंगे और आगे चल के देश का भी नेतृत्व। बहुत अच्छा, आप बताओ। मेरा ये कहना है कि जैसे एक महिला घर को संभालती है तो वो देश को भी संभाल सकती है, वो देश को भी संभाल सकती है, और जैसे वो घर को मैनेज करती आ रही है तो वो देश को कितने अच्छे तरीके से संभाल सकती है वो उसको खुद पता है, वो देश का भी नेतृत्व अच्छे से कर सकती है। तो आप बनना चाहेंगी नेता? जी मैं बनना चाहूंगी। नेता बनना चाहेंगी आरक्षण के बाद? हाँ बनना तो चाहेंगे, लेकिन ऐसा नेता बनना चाहेंगे कि जैसा अभी सबसे आपने पूछा तो बहुत कम लोगों ने बोला कि हम नहीं बनना चाहते, बहुत कम लोग थे जिनने हाथ उठाया, तो ऐसा नेता बनना चाहेंगे कि सब बोले कि हम नेता बने तो ऐसे बने। अच्छा, तो मिसाल कायम करनी है। मिसाल कायम करनी है कि हाँ महिला आरक्षण से बहुत फायदा हुआ है, तो हाँ जैसे महिलाओं को 33% आरक्षण मिल पाया उस वजह से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे है। वैसे भी वो आगे तो थी ही, हर क्षेत्र में हर कोशिश में वो आगे थी, पर इस इनकी सरकार की इस कोशिश की वजह से महिलाएं और आगे आ सकेंगी, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है इस चीज से। अंत में फाइनल कमेंट। जी मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत की पंच भी हूँ। अरे वाह, 18 वोटों से। अरे वाह अरे वाह अरे वाह। मुझे नेता बनना बड़ा अच्छा लगता है, और मैंने क्या अभी मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद से जो नेतृत्व विकास क्षमता पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत मैंने एडमिशन लिया हुआ है, तो उसमें बच्चों को नेतृत्व करने की जो स्किल्स होती है वो सिखाई जाती है। अच्छा, विगत वर्ष जो चुनाव हुआ था ग्राम पंचायत का उसमें मैंने चुनाव भी लड़ा। तो आगे भी बढ़ना चाहती हूँ इसी में? बिल्कुल, मैं लड़ना चाहूंगी और हो सका तो मैं चुनाव को और आगे तक बड़ी स्थिति में ले जाना चाहूंगी। ओके, तो ये वो युवा शक्ति है जो कि अपने अलग सोच के लिए जानी जाती है, और आपने यहाँ पर भी देखा कि कोई किसी के दबाव में बात नहीं कर रहा है बल्कि अपने हक की बात कर रहा है, अपने सुधार की बात कर रहा है और भविष्य की बात कर रहा है कि भविष्य में आखिर वो कैसे नेता होंगे या कौन सी पार्टियां होंगी जिनके तरफ ये लोग देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें अब युवाओं को योजनाओं के बारे में भी पता है, अच्छे बुरे के बारे में भी पता है, और वो पहले वाला जमाना नहीं रहा जब महिलाएं घर के पुरुष जो कहा करते थे उनका वर्चस्व चलता था और घर के पुरुष जो कहते थे कि इस पर बटन दबाना है या इस पर वोट डालना है, अब सबके अलग व्यू हैं और इसी आधार पर ये सब इस बार अपना चुनाव भी करने वाले हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ रीमा पराशर, MP से DD News के लिए।